हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनिल। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फोर साइंस दैट नो कॉन्टैक्ट इज़ वर्किंग। चार वो साइंस जिनसे आप पता कर सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक, मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहें, आप बेटर से बेटर बनते रहें। And if you want to book a coaching session with me or a therapy session, you can contact me on Instagram. The link is in description. So, चार साइंस जिनसे आप पता कर सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। पहला साइन, लेकिन पहले साइन की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सही है, नो कॉन्टैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लोग इसे हेट करते हैं, और कोई भी चीज़ जो इंसान हेट करते हैं, जो मुश्किल हो, वो यकीनन वैल्यूएबल होती है। कोई भी इजी जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, समझो उसकी कोई वैल्यू नहीं है या उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नो कॉन्टैक्ट हार्ड है दोनों के लिए, जिन पे अप्लाई होता है उनके लिए भी बहुत हार्ड है और जो अप्लाई करते हैं उनके लिए भी बहुत हार्ड है। सो पीपल हेट नो कॉन्टैक्ट, ये रियलिटी है। लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये उगलवाना चाहते हैं कि मैं उन्हें इजाज़त दे दूँ कि वो अपनी एक्स को मैसेज कर लें, या दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड को मैसेज कर लें, लेकिन मैं हमेशा मना करता हूँ बिकॉज आपकी ये वैल्यू बढ़ा रहा है। सो नो कॉन्टैक्ट मुश्किल है, पहले ही बता दूँ, पर ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। सो इसलिए अगर आपको पता करना है कि नो कॉन्टैक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, तो उसकी पहली स्टेज जो है वो है दे ट्राई टू ब्रेक नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो चाहते हैं कि किसी तरह आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करें। और वो किस तरह से साइन देते हैं, वो साइन देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके। ठीक है, आपके बारे में या तो वो बहुत बुरा बुरा बोलेंगे कि यू नो, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी शो करेंगे अपनी के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, ओवरली एक्साइटमेंट वो शो करते हैं मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ये दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं इस सिचुएशन में कि मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने आप को बार बार, क्योंकि उनको आपकी याद आ रही होती है, वो मिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें करेंगे। या अगर उनके दिमाग में एंगर है तो वो आपके खिलाफ पोस्टें करेंगे, यू आर अ टॉक्सिक पर्सन एंड ये एंड वो, ताकि आप कोई रिस्पॉन्स दें उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि ये एक अच्छा साइन है, इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी। एक और साइन जो है जिससे आप पता कर सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है, वो ये है कि मे बी वो आपको ब्लॉक और अनब्लॉक कर रहे हैं। अगर वो आपको ब्लॉक और अनब्लॉक कर रहे हैं तो इट मीन्स दे आर कन्फ्यूज्ड। वो आपको देखते हैं आपकी प्रोफाइल को, तो उनको आपकी याद आती है, उनका दिल करता है कॉन्टैक्ट करने का, उनको एंग्जाइटी फील होती है, फिर वो इस चक्कर में आपको ब्लॉक करते हैं। तो जब आपको ब्लॉक कर दें तो फिर उनको दिल करता है कि वो आपकी प्रोफाइल भी देखे, फिर वो कुछ दिन बाद अनब्लॉक कर देते हैं। अगर वो अनब्लॉक ब्लॉक ये चीज़ कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है, इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर मिसिंग यू एंड इट मीन्स दैट नो कॉन्टैक्ट इज वर्किंग। ठीक है, थर्ड सेकेंड या थर्ड जो साइन है, वैसे ये दोनों एक ही हो गए, तो जो अगला साइन है वो ये है कि वो ऐसी जगहों पे आएंगे जहाँ पे आप होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक यूनिवर्सिटी में हैं और आप क्लास के बाद कैंटीन में जाके थोड़ी देर आप बैठते हैं, तो वो जार बूझ के वहाँ पे आएगा, घूमेगा इधर उधर। या आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते हैं तो वो वहाँ पे आएगा। या आप एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हर वीक अपने दोस्तों के साथ जाते थे वो वहाँ पे आएगा। या आप अपनी खाला के घर जाती हैं या जाते हैं तो वो वहाँ पे आएगी। या मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ कि उन प्लेसेस पे वो घूमेगी या घूमेगा जहाँ पे आप जाते हैं। अगला साइन जो है वो है वो कांटेक्ट करते हैं अपनी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स से। सही है, अगर वो आपकी फैमिली या किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करके आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वो अच्छा इंसान था, थैंक गॉड मैंने छोड़ दिया, हालाँकि ऊपर से वो ये बोल रहे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अंदर से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सो ये एक अच्छा साइन है अगर आपके फ्रेंड ने आपको बताया है कि वो उन्होंने कॉन्टैक्ट आपसे किया था और ये वो बोला। इस सिचुएशन में मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि आपको कभी दूसरे अपने फ्रेंड से, म्यूचुअल फ्रेंड जो बीच के फ्रेंड हो, जिनका उनसे भी रहता और आपसे भी रहता, उनसे कोई इस तरह की बात नहीं करनी, बल्कि उन्हें हमेशा
इस टॉपिक पे वैसे तो बात ही ना करें, लेकिन अगर वो फिर भी पूछे तो बोले आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, और मैं बहुत हैप्पी हूँ. बिकॉज जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं वो आपके बुरे नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो अनजाने में बता देते हैं चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, आपने उनके सामने बोला कि यार बहुत याद आ रही है आज मुझे उसकी, और उनको दो तीन दिन बाद उस तरफ से कॉल आई आपकी एक्स की तरफ से, तो वो बोलेंगे कि यार उसने बताया कि वो तो बड़ा मिस कर रहा था. इससे उनको वैलिडेशन मिलती है. सो इसलिए कभी भी रिलेशनशिप की बातें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ना करें. हाँ, वो कर रही है तो ये अच्छा साइन है, या वो कर रहा है तो ये अच्छा साइन है, दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ. एंड लास्ट स्टेज जो है वो है कि दे विल कॉन्टेक्ट यू. सही, लास्ट स्टेज नो कॉन्टेक्ट अगर वर्क कर रहा है तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे. लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक वो आपको कॉन्टेक्ट ना करें डायरेक्टली मैसेज या कॉल, तब तक उस कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट मत समझिएगा. अगर वो आपकी स्टोरी लाइक करते हैं, अगर वो आपकी पोस्ट लाइक करते हैं, तो इट डजंट मीन कि आपको उनसे बात करनी है. ठीक है, वो चाहते हैं कि आप स्टार्ट करें बात. नो कॉन्टेक्ट रूल आप तोड़ें, लेकिन आपको नहीं तोड़ना. मे बी वो आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट करे, कोई दिल बनाए, कोई लाइक करे, आपको नहीं करना कॉन्टेक्ट. बिकॉज अगर उन्होंने आपको छोड़ा था और उन्हीं को ही वापस आना चाहिए. ठीक है, तो अगर वो वापस आके खुद कॉन्टेक्ट करते हैं, सो दैट्स अ गुड साइन. बट इफ दे डोंट, यू डोंट नीड टू फोर्स दैम, ओके, एंड यू डोंट नीड टू कॉन्टेक्ट दैम. तो पहले उनको कॉन्टेक्ट करने दें हमेशा. सो दीज आर सम स्टेजेस जिसमें वो सोशल मीडिया पर आपके बारे में बुरा लिख सकते हैं. सही है, जिससे ये साइन है कि वो हैप्पी नहीं है. वो ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं जिससे ये साइन है कि वो हैप्पी नहीं है और कन्फ्यूज हैं, और ये अच्छा साइन है. वो उन जगहों पे आ सकते हैं जहाँ आप ज़्यादातर जाते रहते हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, और फिर बाद में ये कहेंगे मैं तो रेंडमली वहाँ आई थी, मैं तो लाइब्रेरी में रेंडमली आई थी. यू नो, अपनी दोस्तों को ये बोलेंगे मैं तो उसके पीछे नहीं गई थी, लेकिन रियलिटी में वो सबकॉन्शियसली आपको चेस कर रहे थे, वो आपको देखना चाहते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है दिमाग. और फैमिली और फ्रेंड से बात करेंगे, मे बी आपकी बुराइयां करें, या मे बी आपकी अच्छाइयां भी करें, या मे बी सिर्फ आपके बारे में पूछें आपके फ्रेंड से कि आजकल वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है, ये भी हो सकता है. और आखिरी स्टेज है जिसमें वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली भी करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला लाइक कमेंट करेंगे या कुछ इस तरह सा. तो उसको नहीं समझिएगा कॉन्टैक्ट जब तक वो खुद मैसेज कॉल ना करें. सो दीज आर द साइंस that are really important, जिससे आपको खुशी मिलेगी और आपको ये समझ आ जाएगी कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है, और आपको आपको बने रहना है, अपने ऊपर वर्क करना है, ना कि उनको कॉन्टैक्ट करना है. बिकॉज नो कॉन्टैक्ट रूल एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इसका प्रॉब्लम लोगों के साथ ये क्रिएट होता है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं. लोगों को लगता है अगर मैंने 3 महीने तक कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, 3 महीने गुजर गए तो अब तो मूव ऑन हो जाएगा, मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए. और फिर आप उनको जो सारा गेम आपने बनाया होता है, जो इतनी मेहनत आपने की होती है, वो सारी ज़ाया कर देते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करके. सो इसलिए नो कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर कॉन्टैक्ट देम अगेन जब तक वो खुद ज़िंदगी में वापस ना आए. ठीक है, कभी किसी को फोर्स मत करें कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चंस, अगेन आई वुड से यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.